भाइयों और बहनों, मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं। मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। जब मोदी पूरी ताकत से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन भी बना लिया है। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। मेरी गारंटी है, इन भ्रष्टाचारियों ने, इन बेईमानों ने जिसका धन लूटा है, उस धन को मैं लौटा भी रहा हूं। भाइयों और बहनों, मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं। वो अपना आपा खो बैठे हैं। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कहता हूं, मोदी की गारंटी कहती है, मैं मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन दो खेमों की लड़ाई है। एक खेमा एनडीए का, जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है। दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। फैसला आपको करना है। क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, जब मोदी पूरी ताकत से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन भी बना लिया है। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। मेरा भारत मेरा परिवार है। मैं अपने देश को भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही हूं। और इसलिए बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है। और इसलिए कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और इसलिए पूरे देश में आपने टीवी पे देखा होगा, कहीं बिस्तर के नीचे से नोटों को ढेर निकल रहे हैं,
कहीं दीवारों से नोटों के ढेर निकल रहे हैं, और अभी तो मैंने देखा वॉशिंग मशीन में नोटों के ढेर थे। साथियों, मैं भ्रष्टाचारियों पर सिर्फ कार्यवाही नहीं कर रहा, लेकिन मेरे देशवासी, मेरी बात समझ लीजिए, मेरी गारंटी है इन भ्रष्टाचारियों ने, इन बेईमानों ने जिसका धन लूटा है, उस धन को मैं लौटा भी रहा हूं।